धीरे से नींदों के धागे से। हेलो गाइज, सबसे पहले तो आपका इस वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज, अगर आप भी गणपति बप्पा स्पेशल स्टेटस को बनाना चाहते हैं जैसा कि आपने फिर व्यू में देखा, तो उसको आपको कैन मास्टर एप्लीकेशन की मदद से बना लेना होगा। जो भी मटेरियल का मैं यूज़ करूँगा आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैन मास्टर एप्लीकेशन को जब आप ओपन करेंगे तब कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। हिट नो पे क्लिक करने के बाद 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। अब गाइस सिंपली यहाँ से आपको सबसे पहले एक वीडियो को सिलेक्ट करना होगा। तो गाइस यहाँ से मैं उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें आपको शुरू के लिरिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, म्यूजिक मिल जाएगा। सिंपली आपको इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। वीडियो हमारी आ चुकी है। अब इस वीडियो को आपको देखना है कि लिरिक्स आपके कहाँ तक है। जहाँ तक लिरिक्स होंगे वहाँ तक आपको वीडियो को रखना है, बाकी आपको इसे ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने से पहले इस वीडियो से म्यूजिक को निकाल लेना है हैशटैग एडियो पर क्लिक करके। बाकी अब आपको इस वीडियो को यहाँ से कट कर देना है। मैंने कर दिया। तो जब गाइस आप इस वीडियो को ट्रिम कर ले, म्यूजिक निकल के आ चुका है, सिर्फ आपको अपने फोटो को सिलेक्ट करना है और स्टेटस को आपको क्रिएट कर लेना है। तो गाइस मुझे कमेंट करना, मैं जिन फोटो से स्टेटस को क्रिएट कर रहा हूँ गणपति बप्पा वाले, तो इनको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने स्टेटस को क्रिएट कर सकेंगे। उससे पहले सेटिंग में क्लिक करना है, एडिटिंग में क्लिक करना है। यहाँ से आपको फुल स्क्रीन में क्लिक करने के बाद बैक आ जाना है। अब गाइस फोटो को सिलेक्ट करना है जिससे आपको सारे फोटो अपने आप ही फुल स्क्रीन हो जाएंगे, आपको फुल स्क्रीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपको स्टेटस को बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो गाइस यहाँ से मैंने सभी फोटो को सिलेक्ट कर लिया, आपको भी इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद आपको अपने फोटो को मैच करवाना होगा वीडियो के जो म्यूजिक है उसके हिसाब से, आपको एक एक लाइन के हिसाब से मैच करना होगा। जैसे गाइस यहाँ से मैं चला के देखता हूँ म्यूजिक को, तो यहाँ पे आई म्यूजिक कहीं पे, मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप पूरी लाइन देख लेनी है कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आएगी समथिंग, यहाँ से कट कर देनी है। फिर से आपको चला के देखना है अगली लाइन यहाँ तक आएगी, यहाँ तक रख लेना है फोटो को। अगली वही लाइन यहाँ तक आएगी तो यहाँ तक रख लेना है, बाकी आपको ट्रिम कर देना है। दूसरी तरीके से आपको सारे फोटोज को ऐड कर लेना है म्यूजिक के हिसाब से। अगली लाइन यहाँ तक आएगी तो मैं ऐड कर लेता हूँ, उससे अगली लाइन यहाँ तक आएगी तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, और ये यहाँ तक आएगी। मैंने ऐड कर लिया सारे फोटोज को। आपको भी लाइन के हिसाब से अच्छे से मैच कर लेना है वीडियो को सुन सुन के, यानी कि म्यूजिक को सुन सुन के। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ से आपको पहले फोटो पर क्लिक करना होगा, क्लिक ग्राफिक्स में जाना होगा, और यहाँ से आपको एक ग्राफिक्स कॉल मी डीजे को ऐड नहीं करना है, आपको करना है स्वीट लाइज को। इसका 5 नंबर आपको लगाना होगा सारे फोटोज में, ठीक गाइस। स्वीट लाइज को इसको आपको ऐड करने के लिए बीट साइन एप्लीकेशन से ऐड कर लेना है, जैसे कॉल मी डीजे को ऐड करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होगा कॉल मी डीजे को कैसे ऐड करते हैं, नहीं पता है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिससे आपको बीट साइन एप्लीकेशन से ग्राफिक्स को कैसे ऐड करते हैं पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ से फटाक से ऐड कर लेता हूँ। सिंपली गाइस आपको भी इस तरीके से ऐड कर लेना है। मैंने सारे फोटो में ऐड कर लिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपको शुरू में आ जाना होगा। शुरू में आने के बाद गाइस यहाँ से आपको एक वीडियो को ऐड करना होगा, लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है, और आप इस वीडियो को ऐड कर लीजिए जिससे काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा। इफेक्ट कैची के ब्राउ वाले ऑप्शन में क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है। इस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आना है, ब्लेंडिंग में क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन जब आप कर देंगे तो गाइस देख लीजिए कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाएगा और पूरी वीडियो में आपकी आ जाएगा। उसके बाद गाइस आपने जहाँ से फोटो को सिलेक्ट किया है वहाँ पे आपको आना होगा इस तरीके से, लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा, मीडिया को सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ से आपको एक पीएनजी को ऐड करना होगा जिससे आपके सारे फोटोज में एक बिगनेट वाला इफेक्ट काफ़ी गजब का आ जाएगा। तो गाइस यहाँ से मैं उस पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ, नीचे जाने के बाद कहीं कहीं मुझे मिल जाएगी ये वाली, आ चुकी है। सिंपली आपको इस तरीके से बड़ा करके लगा देना है और स्क्रॉल करके आपको लास्ट तक कर देना है। उसके बाद यहीं से आना है फिर से, और एक लेयर वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको एक लिरिक्स यानी कि टेक्स्ट पीएनजी को मौर्य जिस पे लिखा हुआ होगा आपने देखा होगा प्रीव्यू में, आपको उसे ऐड करना होगा। तो गाइस यहाँ से मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। ये आ चुकी है, नीचे आना है, ब्लेंडिंग में क्लिक करने का स्क्रीन करना है। स्क्रीन करने के बाद ये आ जाएगी और यहाँ पे लाके आपको इसे लगा देना है, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ पे आना है एडजस्टमेंट में और कॉन्टेस्ट को हाई कर देना है और सैचुरेशन को भी हाई कर देना है जिससे ये देखने में थोड़ा गजब का लगेगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लगा देना है, स्क्रॉल करके आपको इसे पूरी वीडियो में कर देना है।
बस गाइज आपको कुछ भी नहीं करना है, म्यूजिक सब कुछ लग चुका है, सिर्फ हमें लगाना है बॉर्डर। तो लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको बॉर्डर पीएनजी को ऐड करना होगा। बस बाकी आपका स्टेटस क्रिएट हो चुका है। जो भी मटेरियल का मैंने यूज किया है आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका कोई भी लिंक नहीं है, मैं बनाऊंगा काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो डायरेक्ट आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, जो भी मटेरियल ना मिला करे आपको टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर मैं सारा मटेरियल अपलोड कर देता हूँ। तो वीडियो आ चुकी है, नीचे आना है, ब्लेंडिंग में क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा बॉर्डर भी लग चुका है और स्ट्रेस हमारा क्रिएट हो चुका है। चलिए गाइस, अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ एक बार स्ट्रेस अपना।